हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपके अपने अदर न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5, डे है वेडनेसडे और सुबह सुबह मैं लग गई बच्चों के जो है वो ड्रेस प्रेस करने के लिए, क्योंकि क्या है ना, आज वेडनेसडे था तो मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि आज वाइट ड्रेस लगेगा। तो बस सुबह 5 बजे से उठ के उसके बाद अपने कामों में लग जाती हूँ। कहते हैं ना कि जब सुबह काम करो, सुबह उठ जाओ और उसके बाद फटाफट से सारे काम जो है 9 बजे तक मेरे सारे रेडी हो जाते हैं, मतलब डन हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए जो है थोड़ा जल्दी उठा देती हूँ बच्चों को, तो ये लोग उठ के अपना एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लेते हैं। सही रहता है बच्चों को सवेरे थोड़ा सा आदत डालना चाहिए जल्दी उठने का, ऐसा नहीं कि जब स्कूल जाने का टाइम हो तो आधा घंटा पहले उठाए, उनको 1 घंटा पहले उठाया तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है अपना टाइम वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना नहाते धोते हैं। तो यहाँ पे बस मैं आ गई किचन में लंच बनाने, बच्चों का टिफिन बॉक्स बनाने। तो आज बच्चों की डिमांड थी यहाँ पे जो है आलू का पराठा, तो बस फटाफट से हमने आटा गूंथ लिया था और रोटी सॉरी आलू जो है मैं रात में बॉयल करके रख लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, आलू जब थोड़ा सा टाइट रहता है तो इसके जो पराठे होते हैं बहुत बढ़िया बनते हैं, तो इसलिए मैं रात में बॉयल करके रख लेती हूँ। एक दिन पहले बच्चों से पूछ लेती हूँ, बच्चों आप लोग क्या लेके जाओगे, तो उसी हिसाब से मैं सुबह सुबह लंच प्रिपेयर करती हूँ। तो बच्चे फाइनली स्कूल चले गए हैं, 7:30 बजे वो लोग चले जाते हैं, घर से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर हस्बैंड का लंच रेडी करती हूँ, फिर जो मेरे ससुर हैं वो भी 9, 9:30 बजे तक चले जाते हैं। तो सुबह जब सारे काम एक बार उठ जाओ ना तो सारे काम फटाफट हो जाते हैं, और 9 बजे तक तो हर हाल में आपको टाइम मिल जाना ही मिल जाना है। फिर उसके बाद आप अपना काम करते रहो, जैसे सफाई का, क्लीनिंग का, बहुत सारे काम होते हैं एक हाउसवाइफ को। तो सुबह का सबसे बड़ा काम तो होता है लंच प्रिपेयर करना, क्योंकि सुबह सबको ऑफिस स्कूल जाना होता है, तो सबसे बड़ा काम किचन का होता है। और ये सुबह सुबह का काम किचन का किसके साथ होता है प्लीज़ कमेंट करना। और तो बस अगर थोड़ी सी भी आइडिया हो तो थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन शेयर करना आप लोग हमारे साथ। और यहाँ पे हमने लंच रेडी कर दिया है, यहाँ पे पानी भर के इनको दे देंगे, उसके बाद फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बेफिक्र हो जाती हूँ जब ये लोग ऑफिस स्कूल चले जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने सुबह सुबह चावल बना दिया था, तो नाश्ते में बोले हस्बैंड के दाल चावल दे दो, थोड़ा सा गर्मा गर्म खा लूँ, लंच में चावल मत देना क्योंकि लंच में अच्छा नहीं लगता चावल। तो बस यहाँ पे नहा के आ गए हैं तो उनको बस थोड़ा सा लंच दे रही हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाता है सबके जाने के बाद। फिर मैं आऊँगी पूजा करके, उसके बाद 1 कप रिलैक्स होकर चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद फिर जो है थोड़ा बहुत उसके साथ स्नैक्स लेती हूँ, जैसे कभी पराठा बना लिया या कभी मखाना ले लिया, कुछ भी ऐसे ले लेती हूँ। उसके बाद फिर काम हमारा मतलब चलता रहता है, तो 9:30 बजे तक हमारा काम एकदम डन हो जाता है। फिर चाहे हम एडिट करें, वीडियो बनाएं, अलग से जो कोई काम होता है वो मैं काम जो है बाद में करती हूँ। तो बस यही हमारा सुबह से लेके 5 बजे से लेके जो है हमारी ड्यूटी लग जाती है और सुबह 10 बजे तक ख़त्म हो जाती है। और जब भी हम वॉइस ओवर करते हैं तो हमारे गली में कुछ ना कुछ बेचने वाला आ जाता है। और उसके बाद अब जो थोड़े बहुत घर बिखरे हुए हैं उसको समेट लूँगी, जैसे बच्चे टॉवेल इधर उधर फैला देते हैं, ये भी रेडी होते हैं तो सामान इधर उधर बिखर जाता है, उसी टाइम अपना सारा सामान अगर अपनी जगह पे लगा दो ना तो थोड़ा सा बड़ा शांति मिलता है और देखने में घर का लुक थोड़ा अच्छा लगता है। झाड़ू पोछा हमने कर लिया था सुबह सुबह ही नहाने से पहले। और ये मेरी छोटी सी ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसे लगी प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी ब्लॉग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मैं आगे बनाऊं या फिर एक क्लीनिंग का बनाऊं, जो भी आपको समझ आए आप बताना तो मैं उसी हिसाब से ब्लॉग बनाऊंगी। और अभी ना मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है तो सुबह सुबह का जो धूप होता है बड़ा अच्छा लगता है, वैसे भी धूप में विटामिन डी मिलता है, सुबह की धूप लेनी चाहिए। ये रही मेरी छोटी सी वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।